साधना जी जो हैं ना सिर्फ एक अभिनेत्री थीं बल्कि एक ट्रेंड सेटर थीं। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उनके जो बाल थे साधना कट, देश की लाखों लड़कियां साधना कट जैसे बाल रखती थीं। इन्होंने ही फैशन चलाया था चूड़ीदार कुर्ते का। साधना जी का जो सफ़र रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। उनकी शुरुआत एक एज ए ग्रुप डांसर से हुई थी फिल्म श्री 420 में। आपका जन्म कराची में हुआ था और पार्टीशन के बाद आपने माइग्रेट किया था अपने पेरेंट्स के साथ, और वो लड़की जो ग्रुप डांसर थी राज कपूर साहब की श्री 420 में, वही लड़की उनकी हीरोइन बनकर आई राज कपूर साहब के अपोजिट फिल्म दूल्हा दुल्हन में। बहुत अच्छा उनका करियर रहा है, बहुत लोकप्रिय थी, हर किस्म की फिल्मों में उन्होंने काम किया। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम किया असली नकली में, बिमल रॉय के साथ काम किया उन्होंने परख में, मुस्लिम सोशल फिल्म की उन्होंने मेरे महबूब, राजकुमार की, आरजू की, और राज खोसला के साथ उन्होंने तीन सस्पेंस फिल्में की थी, वो कौन थी, अनीता और मेरा साया, बड़ी कामयाब फिल्में साबित हुई। बी आर चोपड़ा के साथ उन्होंने 1965 में फिल्म वक्त में काम किया था। अपने वक्त की वो सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री थी, और उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण उन्हें खसरा निकल आया जिससे उनकी आंखों पर असर हुआ और उसके बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया। उनकी शादी हुई आर के नैयर जो निर्देशक थे उनकी पहली फिल्म के, लव इन शिमला के, जो 1960 में लगी थी। उनका निधन हो गया, उनके कोई औलाद नहीं थी, एक तो बीमारी थी उन्हें, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, उसके बाद अकेलापन, कोई फैमिली नहीं, कोई दोस्त नहीं, हस्बैंड नहीं, बच्चे नहीं। तो इस उम्र में जब एक महिला का एक परिवार होता है, वो परिवार उनका नहीं था, तो वो अकेलापन उन्हें बहुत सताता था और उसकी वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, और इस घर का केस भी चल रहा था बहुत दिनों से, वो काफ़ी परेशान थी, काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रही थी, और आज आखिरी दिन उनका आ गया। एक उनका गाना मुझे याद आ रहा है फिल्म वो कौन थी गा के, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। अब इस जन्म में तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने अभिनय किया है, जो उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है, वो हमेशा रहेगा। और जब तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जब उसका इतिहास लिखा जाएगा, तो साधना जी का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में होगा। Sadhna ji's body is at the Raheja Hospital in Mahim right now. It will be brought here tomorrow morning. It will be brought here tomorrow morning at 9 o'clock. People are welcome to come and visit. At 11 o'clock, it will leave for the Shmashan Bhumi. And I think the only tribute Mumbaikars can give a living legend in Sadhna ji is the message she spread, which was only a dignified life and a peaceful death. And may her soul rest in peace. कल रात को उनको बुखार था, उनको लिया गया राहेजा हॉस्पिटल पे माहिम में। कल रात वो वहीं थी, आज सुबह वो गुजर गई। कल सुबह बॉडी को यहाँ उनके घर पे लाएंगे, लोग आएंगे, और फिर 11 बजे सेंटाक्रूज़ के शमशान भूमि में वहाँ उनकी अंतिम संस्कार होगा। देर आर लॉट मैनी स्पेक्युलेटिव स्टोरीज फ्लोटिंग अराउंड। साधना जी डिड नॉट हैव कैंसर। She had high fever yesterday when she was taken to Raheja Hospital at Mahim. Aaj subah, unfortunately, she expired. The body will be brought here at 9 o'clock tomorrow morning. 11 o'clock, we will leave for the Santacruz crematorium. And may I please clarify that Sadhna ji did not have cancer.